वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं झटपट चटाखेदार मज़ेदार सी श्रिम्प बिरयानी बनाऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये डायरेक्टर साहब और सना और हबी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि बहुत लोग कह रहे थे कि आपके पास श्रिम्प पुलाव है, बिरयानी नहीं है, तो आज सोचा बिरयानी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए पैन है, इसमें अब हम ऑयल डालेंगे अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 तेज़पत्ते और 1 टीस्पून काला ज़ीरा। तेल के साथ साथ इन्हें गर्म होने देते हैं। वैसे तो मैंने इतनी तरह की बिरयानी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो सब दुकानों का लिंक जो है वो मैं यहाँ दे देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें गरम मसाला अच्छा से सॉटे हो रहा है, तो हम आलू पे आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास 2 आलू है जिसका छिलका निकाल के मीडियम पीसेस कर लिए, तो वो अब आलू डाल देंगे इसमें। और अब ये आलूओं को हम फ्राई करेंगे गरम मसाले और तेल में, फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। तो यहाँ देखिए हमारे पास झींगे हैं जो कि 1 पाउंड है यानी आधा किलो के आसपास, लार्ज साइज के हैं, क्लीन है, वॉश्ड है, ड्राई है, तो इसको अब हम मैरिनेट कर देते हैं। 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून लेमन जूस के साथ। को मिला लेंगे। चलिए ये हो गया। यहाँ देखें हमारे आलू कितने सुनहरे सुनहरे प्यारे प्यारे से हो गए हैं, तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटी भी टाइप की हरी मिर्चें हैं, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। देखिए आलू कितने खुश खुश हैं जिंजर गार्लिक के साथ मिलके। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूं हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। इसकी वजह ये है कि हमारा तेल और ये अदरक लहसुन बहुत गर्म है, तो मसाले जलाने नहीं है हमें। आलू को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो एक लार्ज या दरमियाना टाइप का टोमेटो छोटा छोटा कट के डाल दें, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। इनको अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ देखें तरी जो है वो ऊपर आ गई है, यानी हमारा मसाला बड़ा अच्छे से भुन गया है। तब इस पॉइंट पर हम हीरो ऑफ द डिश को डाल देंगे, यानी झींगे। अच्छे से मिलाएंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे सोया जो कि है 1 कप। अगर आपको डालना है तो डालें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज ना मिले तो स्किप करें, उसके बगैर भी अच्छी बनेगी। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून पानी। इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी स्टीम कलेक्ट हो जाए। देखिए 1-1.5 मिनट हो गई है, अच्छी सी स्टीम कलेक्ट हो गई है। अब चूल्हे को हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और इसको हिला लेते हैं, और इसके ऊपर अब हम ढेर सारी चीज़ें डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि यहाँ हमारे पास हरा धनिया है 1 हैंडफुल, अभी ये आधा डाल देते हैं,
टमाटोज हैं जो कि एक है, तो इसकी स्लाइसेस यूँ डाल देंगे। यहाँ मेरे पास एक हरी मिर्च है, ये भी डाल देंगे। यहाँ तली हुई प्याज है जो कि 4 टेबलस्पून है, 2 डाल देंगे इस वक्त। और यहाँ हमारे पास चावल है जो कि सेला है और 1.5 कप मैंने लिया है और उबाल के रखा हुआ है, 90% कुक कर दिया, 90-95%। अगर आपको देखना है कि मैंने चावल किस तरह से उबाले तो आप कोई भी बिरयानी देख ले उसमें मैंने उबाले हैं। तो अब हम इसको अपने झींगों पर डाल देते हैं। बराबर कर लेंगे और अब इसके ऊपर ये 2 टेबलस्पून प्याज पड़ी हुई है, ये डाल देंगे। आधा हरा धनिया बचा के रखा तब वो डाल देंगे। हमारे पास यहाँ जर्दे का रंग है जो कि मैंने चुटकी भर लिया था ऑरेंज और 1 टीस्पून पानी में भिगो दिया है, तो ये डाल देंगे। और ये इसी तरह चुटकी भर येलो लिया था और 1 टीस्पून पानी में डाल दिया, तो ये इस साइड पर डाल देंगे। अब इस पर हम डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो घी भी डाल दें और इसको कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे मीडियम हाई, अभी तक लो था, फॉर 2-3 मिनट्स। देखिए ऊपर स्टीम कलेक्ट हो गई है और यहाँ से भी निकल रही है, तब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे फॉर 5-10 मिनट्स। 10 मिनट हो गए, खुशबू है ख़तरनाक आ रही है, चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबू देते हैं। ये अभी तो अभी ऑफिस से भी आ गए थे कि क्या खुशबू आ रही है तेरी ख़तरनाक सी। मैंने कहा झींगा बिरयानी, कहने लगे ये, मैंने कहा आ जाए खाने के लिए, कहने लगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो फ़ोन आया है, वरना मैं इल्ज़ाम लगाती वो दोबारा डिश चोरी करके ले गए। देखें कैसी शानदार लग रही है। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी चटाकेदार सी श्रिम्प बिरयानी बन गई, और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। क्या ख़तरनाक खुशबू आ रही है, वो जो सोया जो डाला है ना वो बेस्ट फ्रेंड है जीने का, बिलीव मी। अगर आपके पास भी हो डालेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। कातिलाना खतरनाक। ये बाइट तो आप लोगों के लिए बनता है, एक एक चावल के दाना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ओह आई एम सो यमी। तो चले जल्दी जी जाए बनाए, खूब मजे करे, मजे करवाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी सिंपल फन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।